पीछे मुड़ो आगे आप इनके करीब कराओ बोलो अरे सेलेक्ट आप मत करो आप मेरे पास आओ रिपोर्ट देने के लिए ना हो बस बस आप जय साहब आप रिपोर्ट एक सुपरवाइजर दो हेड गार्ड 9 सिक्योरिटी गार्ड आपकी ब्रीफिंग के लिए हाजिर है श्रीमान जय साहब सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर इस बात का ध्यान रखे जबकि टाउनशिप पे ड्यूटी पर आते हो तो सबसे पहले मास्क लगाए सैनिटाइजर करे और थर्मागन से टेम्परेचर नापे बिना मास्क का बिना सैनिटाइजर का और बिना टेम्परेचर का कोई भी सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर टाउनशिप के अंदर ड्यूटी पर नहीं चढ़ेगा जब तक वो मास्क नहीं लगाएगा सैनिटाइजर नहीं करेगा और थर्मागन से टेम्परेचर नहीं नापेगा। टाउनशिप के अंदर काम करने वाला कॉन्ट्रेक्टर और ठेकेदार का आदमी एम्प्लॉय वर्कर अधिकारी ऑफिसर विजिटर ड्राइवर कोरियर सेल्समैन जो भी व्यक्ति टाउनशिप के मेन गेट के अंदर एंट्री करेगा वो सभी लोग मास्क लगाएंगे और सैनिटाइजर करेंगे और थर्मागन से टेम्परेचर नापेंगे। इस बात का ख्याल सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर को हमेशा याद रखना है। जब भी कोई अधिकारी आपके ड्यूटी पोस्ट पर आते हैं और जाते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर का कर्तव्य बनता है उनको सिखाए हुए तरीके से उनको सम्मान देना है उनको सैल्यूट करना है। टाउनशिप की ड्यूटी इस प्रकार है कि बाहर का कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन बिना अनुमति का अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। यस या नो? यस। आप लोगों की ड्यूटी के दौरान घटना और दुर्घटना नहीं होने देना है। क्लियर कट? जहाँ पर भी बंगला है जहाँ पर भी रेसिडेंस है वहाँ पर आपको अच्छी तरह से ट्रेवलिंग करना है। सही है क्या गलत? सही है सर। कोई भी बंगला अगर लॉक है तो उस लॉक के खिड़की दरवाजे ताला आपको चेक करना है। वक्त के ऊपर लाइट ऑफ करना है वक्त पर लाइट चालू करना है वक्त पर मोटर चालू करना है पानी की और मोटर गाड़ी जो भी पार्किंग होता है उसका रख रखाव सही होना चाहिए। सही क्या गलत? सही। कोई भी व्यक्ति अपनी ड्यूटी के दौरान लापरवाही नहीं करेगा अपनी ड्यूटी सतर्कपूर्वक करेगा अलर्ट करेगा चारों तरफ ध्यान देगा हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर रखेगा। एक बार क्लिक करके दोबारा लगाना दूसरा बना है। दूसरा बना है।